आज के समय में इंटरनेट ना हो तो जिंदगी बेरंग सी लगने लगती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर कुछ देर के लिए बंद हो जाए तो कुछ लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती। खैर ये तो मजाकिया बातें हो गई, लेकिन व्हाट्सएप ने महीने भर के अंदर 20 लाख अकाउंट बैन कर दिए जो कि इंडियन नंबर पर रजिस्टर्ड थे। ये खुलासा व्हाट्सएप ने अपनी एक रिपोर्ट में किया। गुरुवार को व्हाट्सएप ने अपनी मासिक रिपोर्ट पेश की थी। ऐसा पहला मौका था जब व्हाट्सएप ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके पीछे कारण है भारत सरकार द्वारा बनाए गए नए आईटी रूल्स। नए नियमों के अनुसार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक महीने के अंदर अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करनी होती। इसमें उनको बताना होगा कि कितनी शिकायतें दर्ज की गईं और उन शिकायतों पर क्या एक्शन लिया गया। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसने 20 लाख से ज़्यादा अकाउंट को बैन कर दिया। ये डाटा 15 मई से 15 जून तक का है। इसके पीछे बैन करने का कारण जो था उसमें 95% अकाउंट स्पैम के कारण बैन किए गए। व्हाट्सएप ने यह भी बताया कि वो पूरी दुनिया में 80 लाख अकाउंट बैन कर सकता है। बता दें कि फिलहाल कंपनी ने एक नए फीचर्स पर काम करना शुरू किया है जिसके जरिए यूजर्स का अकाउंट बैन हो जाता है जो ऐप यूजर को रिव्यू देगा। व्हाट्सएप के बारे में सटीक जानकारी देने वाला चर्चित ब्लॉग WF Beta इन्फो के जरिए ये बात सामने आई। ये भी जान लीजिए कि किन हरकतों के कारण अकाउंट परमानेंट बैन हो सकता है। किसी भी तरह के अश्लील कंटेंट भेजने पर अकाउंट बैन हो सकता है। मिसाल के तौर पर चाइल्ड पॉर्न को लेकर व्हाट्सएप पहले से ही सख्त है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ी रिक्वेस्ट पर भी व्हाट्सएप एक्शन लेता है। मान्य सीमा पर भेजे गए मैसेज पर भी व्हाट्सएप अकाउंट बैन कर सकता है। नंबर अगर किसी संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ा हुआ हो, साथ ही रिपोर्ट हो चुका हो, तो भी अकाउंट बैन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।